हे दोस्तों, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो कर्नाटका के बाहर से हैं और उन्हें डाउट है क्या वो लोग कर्नाटका में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो चलिए उनके डाउट को क्लियर करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा वैकेंसी कितनी है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कर्नाटका के कॉलेज में। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं, kea.kar.nic.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने प्राइवेट कोटा की लिस्ट निकाली है। क्योंकि आप कर्नाटका से नहीं है तो आपको प्राइवेट कोटा में सीट लेना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिल पाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइवेट में बहुत सारी कैटेगरी है। तो हम बात करेंगे ओपन कैटेगरी की। ये राउंड टू का वैकेंसी है। अगर आपने राउंड वन में एडमिशन नहीं लिया है तो आप राउंड टू में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कॉलेज के नाम दिए हुए हैं और राइट साइड में सीट। तो आपको OPN यानी ओपन के लिस्ट में देखना होगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि ओपन में टोटल 210 सीट है। तो अगर आप कर्नाटका के बाहर से हैं तो आप कर्नाटका में अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर टोटल 210 सीट अवेलेबल है। पर एक चीज़ आप चेक कर लीजिए कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसकी फ़ीस कितनी है, क्योंकि कोई कोई कॉलेज में काफ़ी हाई फीस होती है, लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा। जैसे कि आप BDS में भी देख सकते हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी में चेक करेंगे तो आप पाएंगे टोटल 310 सीट है। यहाँ पर भी आपको एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप कर्नाटका के बाहर से हैं और कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल 210 सीट अवेलेबल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ वो भी अपडेट रहे। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।